हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरा पाठशाला। मैं माला खान आज फिर आपसे एनवीएस का ओल्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अभी पिछली वीडियो हमारी एनवीएस ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर थी, जिसमें हमने एनवीएस का एग्जाम पैटर्न और सेक्शन 4 यानी हमारा सब्जेक्ट नॉलेज जो हमारा लाइब्रेरी साइंस है, इसके स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। अब हम इसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोई क्वायरी है, कोई आप वीडियो बनवाना चाहते हैं या कोई भी बात होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। गुरा पाठशाला ऑलवेज फॉर यू, ऑलवेज विद यू। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप लोगों को पता ही, पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 25 तक डिस्कस किए थे। अब हम इससे आगे के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। यहाँ हम सब वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एनवीएस 2019 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, इन विच ईयर वॉज द खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना एस्टैब्लिश। ऑप्शन 1 है हमारा 1876, ऑप्शन 2 है हमारा 1867, ऑप्शन 3 है हमारा 1891, ऑप्शन 4 है हमारा 1860। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, 1891। क्वेश्चन नंबर 27 इज द नेम प्रोफेसर जी भट्टाचार्य इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन 1 प्रेसेस, ऑप्शन 2 यूनिटर्न इंडेक्सिंग, ऑप्शन 3 चैन इंडेक्सिंग, ऑप्शन 4 पॉपसी। राइट आंसर इज ऑप्शन 4 पॉपसी। क्वेश्चन नंबर 28 इज विच स्टेट हैज द लाइब्रेरी सेस। ऑप्शन 1 गोवा, ऑप्शन 2 मणिपुर, ऑप्शन 3 मिजोरम, ऑप्शन 4 हरियाणा। राइट आंसर इज ऑप्शन 4 हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 29 इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूजर टास्क दैट आर सपोर्टेड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ FRBR। ऑप्शन 1 फाइंड सिलेक्ट आइडेंटिफाई ऑप्ट इन, ऑप्शन 2 आइडेंटिफाई सिलेक्ट ऑप्ट इन फाइंड, ऑप्शन 3 सिलेक्ट आइडेंटिफाई फाइंड ऑप्ट इन, ऑप्शन 4 फाइंड आइडेंटिफाई सिलेक्ट ऑप्ट इन। राइट आंसर इज ऑप्शन 4 फाइंड आइडेंटिफाई सिलेक्ट ऑप्ट इन। क्वेश्चन नंबर 30 इज हु डेवलप द इंफॉर्मेशन स्किल्स मॉडल। ऑप्शन 1 SCONUL, ऑप्शन 2 DRTC, ऑप्शन 3 इन्फ्लिपनेट, ऑप्शन 4 UGC। राइट आंसर इज ऑप्शन 1 SCONUL। क्वेश्चन नंबर 31 इज हु इज द ऑथर ऑफ रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग। ऑप्शन 1 A. पेनिजी, ऑप्शन 2 CA कटर, ऑप्शन 3 WCB सेयर्स, ऑप्शन 4 मार्गरेट मान। राइट आंसर इज ऑप्शन 2 CA कटर। क्वेश्चन नंबर 32 इज हु कैटेगराइज्ड इंफॉर्मेशन सोर्सेज इनटू कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल एंड माइक्रो डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन 1 ग्रोगन, ऑप्शन 2 रघुनाथन, ऑप्शन 3 ब्रैडफोर्ड, ऑप्शन 4 हैंसन। राइट आंसर इज ऑप्शन 2 रघुनाथन। क्वेश्चन नंबर 33 इज हाउ मच एरिया ऑफ द टोटल स्पेस वॉज रिकमेंडेड बाई रघुनाथन टू बी अलॉटेड फॉर ईच रीडर इन अ लाइब्रेरी बिल्डिंग। ऑप्शन 1 25 स्क्वायर फीट, ऑप्शन 2 20 स्क्वायर फीट, ऑप्शन 3 27 स्क्वायर फीट, ऑप्शन 4 30 स्क्वायर फीट। राइट आंसर इज ऑप्शन 1 25 स्क्वायर फीट। क्वेश्चन नंबर 34 इज द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ यूजर्स ऑफ एन अकेडमिक लाइब्रेरी आर। ऑप्शन 1 फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ऑप्शन 2 फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ऑप्शन 3 इज साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ऑप्शन 4 इज साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन 1 faculty members, research scholars, student and administrative staff. Question number 35 is who developed the CPM method in 1950? Option 1 is H.L. Nett, option 2 Kelly and Walker, option 3 B. Taylor, option 4 G. Keeler. Right answer is option 2 Kelly and Walker. Question number 36 is what is the meant by knowledge management? Option 1
All activities of information management are mixed in it. Option 2, it is the same as information management. Option 3, all activities of management. Option 4, all activities of information management along with some other special activities are also mixed up in it. Right answer is option 4, all activities are information management along with some other special activities are also mixed up in it. Question number 37 is, which of the following fields in mark 21 contain the DDC number? Option 1, 080. Option 2, 084. Option 3, 050. Option 4, 082. Right answer is option 4, 082. Question number 38 is, which of the following has stopped publishing in the print from since 2012? Option 1, Kaysing's Contemporary Archives. Option 2, Times of India Directory. Option 3, New Encyclopedia Britannica. Option 4, Europa World Yearbook. Right answer is option 3, New Encyclopedia Britannica. Question number 39 is, the part in AACR2R published in 2022 is divided into how many chapters? Option 1, 10. Option 2, 12. Option 3, 13. Option 4, 11. Right answer is option 3, 13. Question number 40 is, what do you mean by bulletin board service? Option 1, it has a single large mailbox. Option 2, it is a communication system. Option 3, it is a closely related to a email systems. Option 4, all of the options. Right answer is option 4, all of the options. Question number 41 is, the real feel of the profession of librarianship came when an American, Asa Don Dixon, started a training program for an Indian librarian with the help of option 1, Punjab Library Primer. Option 2, Delhi Public Library. Option 3, Kolkata Library. Option 4, Connemara Public Library. Right answer is option 1, Punjab Library Primer. Question number 42 is, who was the first librarian of Imperial Library India? Option 1, John Macfarlane. Option 2, K.M. Azdullah Khan. Option 3, A.D. Dickinson. Option 4, W.A. Borden. Right answer is option 1, John Macfarlane. Question number 43 is, primary sources of information is are? Option 1, dictionary. Option 2, encyclopedia. Option 3, bibliography. Option 4, handwritten articles. Right answer is option 4, handwritten articles. Question number 44 is, what type of information sources are almanacs? Option 1, ready reference. Option 2, bibliographies. Option 3, dictionary. Option 4, directory. Right answer is option 1, ready reference. Question number 45 is, Indian Science Abstract is published by? Option 1, RRRLF. Option 2, SendDoc. Option 3, DeciDoc. Option 4, NISCARE. Right answer is option 4, NISCARE. Question number 46 is, information about scale and projection can be found in? Option 1, encyclopedias. Option 2, handbook of manuals. Option 3, geographical sources. Option 4, directories. Right answer is option 3, geographical sources. Question number 47 is, combination of 4 bytes is termed as? Option 1, byte. Option 2, bit. Option 3, nibble. Option 4, word. Right answer is option 3, nibble. Question number 48 is, Saraswati Mahal Library is located at? Option 1, Thiruvananthapuram. Option 2, Vijayawada. Option 3, Hyderabad. Option 4, Thanjavur. Right answer is option 4, Thanjavur. Question number 49 is, which of the following is not a principle of facet sequence? Option 1, cow-calf principle. Option 2, wall picture principle. Option 3, later in time principle. Option 4, whole organ principle. Right answer is option 3, later in time principle. Question number 50 is, the decimal representation for the character A in ASCII second is?
ऑप्शन 1 65, ऑप्शन 2 63, ऑप्शन 3 67, ऑप्शन 4 69. राइट आंसर इज ऑप्शन 1 65. इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस किया है. नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे. इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे के क्वेश्चन दिखाएंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ. गुरु पाठशाला ऑलवेज फॉर यू, ऑलवेज विद यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.